अच्छा आपने सब्सक्राइब कर लिया तो इस घंटे को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपका मोबाइल का भी घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत 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 सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरे चैनल में हो गए हैं अब 10,000 सब्सक्राइबर, यानी अब हम 10,000 सब्सक्राइबर का फैमिली बन गए हैं। तो बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मैं बहुत जल्द एक गिव अवे लाने वाली हूँ। आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी कि गिव अवे में क्या होगा, तो मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था ओपन पोर्स कैसे ठीक करें, उनका ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं एक ऐसा रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके ओपन पोर्स जो गालों में खड्डे हो जाते हैं, बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा पोर्स जो होता है ओपन होता है, मतलब आपके स्किन में जो रोम छिद्र होते हैं गाल पे, ढेर सारे गैप होते हैं, बहुत सारे जो है लोग टाइप के बोलते हैं। तो ओपन पोर्स का प्रॉब्लम बहुत लोगों का होता है और एडल्ट में, मतलब 20 से लेकर 40 के एज में हमारे स्किन पे बहुत सारे जो है ओपन पोर्स का प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये रेमेडी मैं खास आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करते हो तो आपका ओपन पोर्स का प्रॉब्लम 100% जो है सॉल्व हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर इस रेमेडी को ट्राई करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट अपने स्किन पे देख सकोगे। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा रेमेडी है आपके ओपन पोर्स के लिए। तो सबसे पहला जो टिप्स है उसके लिए आपको चाहिए बनाना और एक छोटा सा कटा हुआ नींबू। बनाना यानी केला। केले में बहुत सारे पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन B6, विटामिन 12 होता है जो आपके पोर्स को, लार्ज पोर्स को मिनिमाइज़ करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको इसको छोटा सा अमाउंट लेना है कुछ इस तरीके से और आपको इसको मैश कर लेना है। तो आपको मैश करने के बाद अच्छे तरीके से इसमें आपको कुछ बूंद नींबू का रस ऐड करना है और इनको ऐड करके आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसको मिक्स करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करें और ध्यान रखें आप अपने फेस को अच्छे तरीके से पानी से साफ़ कर लें। तो अब हम यहाँ पे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको अपने फेस पे इसको 20 मिनट के लिए रखना है और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड के लिए आपको लेना है आइस क्यूब। आइस क्यूब आपको 1 से 2 लेना है और अपने फेस पे कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है। इससे जो हमारे पोर्स होते हैं बहुत ही मिनिमाइज़ हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं और ये बहुत सुपर फास्ट काम करता है। तो आप अपने पोर्स के लिए ये दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। आइस क्यूब अप्लाई करें तो उसको आप टॉवल से वॉश नहीं करें, अपने उंगलियों के हेल्प से आप उसको सुखा लें। और जब आप आइस क्यूब अप्लाई करें तो कुछ टाइम के लिए गैप लें, 10 से 5 सेकंड के लिए, वरना आपके जो गाल हैं बहुत ही ठंडे हो जाएंगे। तो इसके लिए आप इसको थोड़ा सा गैप लें। ये था आज का रेमेडी। आप अगर इसको घर में ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको तो पता ही है 100% नेचुरल है, सेफ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपके जितने भी पोर्स का, ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं अपने एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मेरे आज का वीडियो में जो है, भूल गई मैं